देखिए बहुत आसानी से ये टूट रही है, ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इससे मसाला भी बहुत अच्छे से भरा हुआ है, ये पूरा मसाला इसमें भरा हुआ है। आप कभी सफर में जाते हैं तो इसको जरूर साथ लेके जाएं बनाकर, ये बहुत लंबे समय तक चलती है, खराब नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी कचौड़ी। इसको हम बिना दाल को गलाए बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता कचौड़ी होती है और इसको हम 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो सामान हमने लिया है वो है 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बेसन, अमचूर 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया है ये 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, ऑयल हमने मोयन के लिए लिया है, ये लौंग और काली मिर्ची को मैंने दरदरा पीस लिया है, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 ये काली मिर्ची है, हींग लेंगे हम थोड़ी सी, 4 साबुत लाल मिर्ची हमने ली है और 4 से 5 तेज पत्ते हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम अपना डो तैयार करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम मैदा डालेंगे, इसमें हमने ये मोयन के लिए ऑयल लिया है, ये हम इसमें मिक्स करेंगे, साथ में थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन को हमें अच्छे से मिक्स करना होगा, इसमें ये ऐसे मुठिया बनने लग जाती हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल आटे के जैसा ही हम इसको गूंदेंगे। ये डो हमारा तैयार हो गया है, थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के इसके ऊपर से लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपना मसाला बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है, तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, साथ में डालेंगे लाल मिर्ची खड़ी हमारी, तेज पत्ता, थोड़ा सा चलाएंगे इसको कुछ सेकंड्स के लिए। अब ये लौंग और काली मिर्ची जो हमने पीसी थी हम इसको डालेंगे। अब हम सौंफ डालेंगे, एक मिनट के लिए इसको चलाएंगे लगभग। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया डालेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से भुनेंगे, थोड़ा सा इसको हम भुनेंगे, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हींग। ये भुन गया है मसाले सभी अच्छी तरह से। अब इसमें हम बेसन डालेंगे और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सेकेंगे। बेसन में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम जो इसको स्टोर कर रहे हैं 10-15 दिन के लिए वो खराब हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको आराम से लगेंगे भुनने में। बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो बेसन नीचे से चिपकने लगेगा, ये काला पड़ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी। ये नमक हमने थोड़ा सा डालेंगे स्वादानुसार, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हम लाल मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्ची आप कम या ज्यादा स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे अमचूर। अब जितना हमने बेसन लिया था
बिल्कुल उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको बिल्कुल ड्राई करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। इसको ठंडा होने में लगभग 10 मिनट लग गए हैं। अब सबसे पहले इसमें से हम ये लाल मिर्ची और तेज पत्ता हटा देंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल में डालने के बाद आ जाता है। अब इस मसाले की हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसकी बॉल्स नहीं बनेंगी। इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के रखेंगे सबसे पहले। इसी तरह से पहले मैं अपनी सारी बॉल्स बनाऊंगी। ये मसाले की बॉल्स मैंने तैयार कर ली है। ये 15 से 20 बनेंगी, वो साइज के अकॉर्डिंग रहेगा, आप किस साइज की बनाते हैं। अब हम आटा लेंगे। आटा भी हमारा सेट हो गया है, इसको थोड़ा सा मलेंगे। जिस साइज का हमने मसाला बनाया है उसी साइज की हम छोटी सी बॉल लेंगे। इसको हाथ से इसी तरह रब करेंगे, इसको बेलने की जरूरत नहीं है हमें। और इसमें एक बॉल बीच में रखेंगे और इसको दबा के इसको अच्छे से भर के अच्छे से इसको पैक करना है हमें, क्योंकि ये फटनी नहीं चाहिए। बस इसको इस तरह से पैक करेंगे। बस ये हो गई हमारी बॉल तैयार। इसको ऐसे के ऐसे हम रख देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को मसाला भर के तैयार कर लेंगे। सेंटर में बॉल रखेंगे, इसको इस तरह से पूरा पैक करेंगे। बस ये कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा मसाला बाहर निकल जाएगा। पूरा अच्छे से चिपकाएंगे और थोड़ा सा इस तरह से बॉल बना लेंगे। ये बनके तैयार है। बस इसी तरह से मैं अपनी सारी बना के रख लूंगी। ये सभी मसाला भरकर हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तेल मैंने गरम करने रख दिया है। मैंने सरसों का तेल काम में लिया है, आप चाहे तो कोई भी तेल काम में ले सकते हैं। अब इसमें हम कचौड़ियाँ डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, तेज गैस पे बिल्कुल नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे हमें बनाना है। बस इस तरह से हम डालेंगे, जितनी एक बार में कढ़ाई में आएगी उतनी ही। इसको छेड़ना नहीं है अभी हमें, जब ये थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लगेंगी उसके बाद ही हम इसको छेड़ेंगे। कचौड़ी हमारी थोड़ी थोड़ी सिकने लगी है, ये अपने आप ऊपर आने लगी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, इसको तेज नहीं हिलाना है हमें, थोड़ा थोड़ा इसको हम टर्न करेंगे। देखिए गोल्डन होने लगी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से तलने देंगे। ये मेरी सभी तरफ से सेक कर तैयार हो गई है, एकदम अच्छे से गोल्डन हो गई है। ये देखिए इसमें बबल्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं। बस इसको लगातार हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये एक साइड से सेकेंगे दूसरी साइड से इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी भी मैं अपनी सारी तलके तैयार कर लूंगी। ये सभी कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही खस्ता बनी है, देखिए देखिए बहुत आसानी से ये टूट रही है।
ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इससे मसाला भी बहुत अच्छे से भरा हुआ है। ये पूरा मसाला इसमें भरा हुआ है। आप कभी सफर में जाते हैं तो इसको जरूर साथ लेके जाएं बनाकर। ये बहुत लंबे समय तक चलती है, खराब नहीं होती है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।